सहमलो जी, मेरा नाम अनुराग डोभाल है एंड ये मेरी बिग बॉस की अनटोल्ड स्टोरी है। ना ही ये कभी टीवी पर दिखाई गई, ना ही मेरी साइड ऑफ द स्टोरी कभी लोगों को बताई गई। केवल एक वो साइड दिखाया गया टीवी पर जो लोगों को कभी अच्छा ना लगे। बट आज मैं आपको अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 17 में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। शुरू करता हूँ 15th of October से, जहाँ मेरी फर्स्ट एंट्री थी बिग बॉस सीजन 17 के घर में। बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, एक बहुत बड़ा सपना कंप्लीट हुआ था, क्योंकि मैं एक बहुत कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ एंड मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को दिए थे एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म से टीवी पर आना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जब मेरा फर्स्ट डे सलमान सर के साथ शूट हुआ ना, तो मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा सपना जी रहा था। बट मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम पीरियड बनने वाला है बिग बॉस के घर में। शो शुरू हुआ, मेरी एंट्री हुई, सब कुछ अच्छा लग रहा था। जब बिग बॉस में जा रहा था ना, तो सब लोगों ने मुझे एक ही चीज़ कही थी कि अनुराग, ये एक रियलिटी शो है एंड जैसा तू है ना, वैसे ही शो के अंदर रहना। तो मेरा माइंडसेट यही था कि जैसा मैं हूँ ना, मैं वैसा ही शो के अंदर रहूंगा, मैं अपने आप को टीवी के लिए बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा। एंड मैंने शायद वही करा और मैंने बहुत कुछ करा, लेकिन वो साइड ऑफ द स्टोरी कभी टीवी पर दिखी नहीं। 24/7 की जो लाइव फीड थी, उसमें मेरे घर वाले बैठे रहते थे। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे एपिसोड्स देखे, सारी लाइव फीड देखी है। पहला और दूसरा वीकेंड का बार जैसे ही कंप्लीट हुआ, मुझे एक फीडबैक आया कि भाई तुम कुछ कर नहीं रहे हो शो में, मेरा नाम भी शायद सबसे लास्ट में लिया गया। तो मुझे ना उस चीज का बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने एंड से 100% दिया बट कहीं मेरा नाम ही नहीं लिया। शुरू के एक हफ्ते में ना मेरी एक बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई थी घर में, जहां पर अंकिता जी ने ये चीज बोली थी कि तुम लोगों को ना टीवी पे हमारी वजह से दिखाया जा रहा है, बिग बॉस हमारा शो है। इस पूरी लड़ाई में मेरा केवल एक ही मुद्दा था कि इस प्लेटफॉर्म पर सब लोग अपनी मेहनत करके पहुंचे हैं, सबने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करा ही था, तभी वो इस प्लेटफॉर्म के लिए डिजर्विंग थे। एंड शुरू के हफ्ते में मुझे जहां जो बोलना सही लगता था मैंने वही चीजें बोली हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इस बारी का बिग बॉस सीजन 17 बायस था, तो केवल उन्होंने उन्हीं लोगों को दिखाया जिनसे उसे, तो शो ने केवल उन्हीं लोगों को दिखाया जो उनके फेवरेट थे और उनसे उन्हें फ्यूचर में कुछ फायदा हो सकता था। बट मैं शो में ना अपनी कुछ ना कुछ डिग्निटी लेकर के गया था, तो मैंने फर्स्ट हफ्ते में एक बात बोली थी कि ये लोग हमें केवल एंटरटेनर दिखाएंगे, एज अ विनर कभी नहीं दिखाएंगे। एंड वो बात एंड एंड तक करके सही साबित हो गई। जैसे ही दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, मैंने क्वेश्चन रेज करा था कि क्या बिग बॉस सीजन 17 एक कपल शो है। अभी तक मैं बिग बॉस के जितने भी सीजन देखते हुए आया था ना, उन सब में जो रिश्ते बने थे ना, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिकली बने थे। चाहे आप शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला का ले लो या और भी कोई कपल्स ले लो, उन सबका एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बना था। बट इस बारी शो को ये लगा कि कहीं ना कहीं वो एंगल हम लोग ठूस देते हैं एंड जबरदस्ती घर में वो एक लव एंगल की मुहिम चलनी शुरू हो गई थी। तो उस चीज में मैंने एक शब्द बोल दिया था कि क्या ये कपल शो है। उस चीज को लेकर के बिग बॉस ने मुझे चौक में बुला करके बहुत लताड़ लगाई। मैं ना उस घर में बहुत अकेला पड़ गया था, ये बात सबको फील हो रही थी, बट मैं एक अकेला बंदा था जिसने ये बात स्टार्टिंग में उठाई थी कि बिग बॉस ना केवल कुछ ही लोगों को फेवर कर रहा है एंड स्पेशली वो कपल फॉर्मेट। बाकी लोगों को भी ये चीज फील होती थी बट किसी ने मुंह पर आकर के बोला नहीं। मुझे जो चीज फील हुई मैंने उस टाइम पर बोल दी। मुझे एक पॉइंट पर लगा कि यार मैंने कहीं ना कहीं ये गलत चीज बोल दी है, कि कहीं ना कहीं बिग बॉस को ये चीज पसंद नहीं आई। एंड उस दिन से बिग बॉस वर्सेस मी शुरू हो चुका था और हफ्ते बीतते गए, बहुत सारी चीजें और भी हुई। वो मेरा फर्स्ट पॉइंट था बिग बॉस में जहां मैंने टूटना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था यार क्या मैं गलत चीजें बोल रहा हूँ इस शो पर। मैंने कभी ना गलत चीजें नहीं बोली, मैंने जो फील करा वो ही मैंने सबके पूरी दुनिया के सामने रखा। फिर जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए ना, चीजें और भी बुरी होती चली गई मेरे लिए। उसके बाद शो में बहुत सारी चीजें ऐसी भी मेरे साथ जो कभी टेलीकास्ट ही नहीं करी गई। उस घर के अंदर मैंने इतनी चीजें सही थी ना कि मैं बस अपने आप को समेटता ही रह गया। सबसे बड़ी चीज जो मेरे साथ हुई थी वो ये हुई थी कि कहीं ना कहीं उस शो में ना मेरी कम्युनिटी, मेरी ब्रोसेना को लेकर के एक मजाक बनाया जा रहा था एंड उस चीज से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहा था, क्योंकि आज जो लोग मुझे देख पा रहे ना वो कहीं ना कहीं मेरे कमाए हुए लोग थे। एंड मैं जब बिग बॉस में पहुंचा था ना, एंड ब्रोसेना मेरे लिए वो लोग थे जिन्होंने मुझे अनुराग डोभाल से बाबू भैया बनाया था। वो लड़का जो महीने के 300 रुपए कमाता था, एक नॉर्मल मोबाइल की स्क्रीन में आता था, उसे टीवी तक पहुंचाया था। तो उन लोगों का मजाक मैं नेशनल टेलीविजन पे नहीं सुन सकता था। मेरे को कन्फेशन रूम में बुलाया गया, मैं बहुत परेशान था। मैंने हम्बली बिग बॉस को रिक्वेस्ट करके बोला कि बिग बॉस प्लीज, आपको गेम के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना है आप मेरे रिगार्डिंग फीडबैक दे सकते हैं, बट प्लीज मेरी कम्युनिटी को इसमें इंक्लूड मत करिए। एंड मैंने यही चीज बिग बॉस के सामने रखी एंड यही चीज मैंने सलमान सर के सामने रखी कि एटलीस्ट कि प्लीज मेरी कम्युनिटी का मजाक मत बनाइए, क्योंकि ब्रोसेना के साथ
ना मैं बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड था, एंड मैंने हमेशा से सुना था कि बिग बॉस एक ऐसा घर है जहां पर आप अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि अपनी बातें और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना आपको इतना भारी पड़ सकता था कि सलमान सर जो शो के होस्ट थे उन्होंने मेरे से बात करने के लिए सीधा मना कर दिया था कि मैं इस लड़के से बात नहीं करूंगा। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कितना अकेला फील होता है जब पूरे घर वाले आपके खिलाफ होते हैं, शो आपके खिलाफ होता है, बिग बॉस आपके खिलाफ होते हैं एंड सलमान सर आपके खिलाफ होते हैं। अगर आप ऐसे शो में हो जहां पर आपका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं एंड आपको शो के होस्ट के द्वारा ये बातें जब बोल दी जाती हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, बहुत अकेला फील हुआ उस दिन। मैंने कहा यार मैंने ऐसा क्या ही कर दिया, मैं बस अपने लोगों का स्टैंड ले रहा था, मैं एक रेपुटेशन के साथ अंदर गया था, मैं बस अपनी सेल्फ रेपुटेशन, अपने ब्रोसेना की, अपने माँ बाप की सेल्फ रेपुटेशन की भीख मांग रहा था कि आपको कोई भी फीडबैक देना है आप मुझे वो फीडबैक दे दें, बट मेरी ब्रोसेना का मजाक ना बनाए। मैं बिग बॉस के लिए ऐसी चीजें एक्सपोज करने वाला हूँ जो चीजें कभी मेरे साइड से टेलीविजन पे दिखाई नहीं गई। आपको याद होगा अंकिता जी और विक्की भाई की मम्मियों को उस शो पर बुलाया था, तो उनको ना एक्टिविटी एरिया में बुलाया था और पूरे घर वालों को ये बात पता ही नहीं चली थी। जब वो दोनों एक्टिविटी एरिया से बाहर आ गए थे ना, तो उन्होंने भी नहीं बताया कि हमारी मम्मियों से, घर वालों से बात हो गई थी। मैं शो पर जितना परेशान चल रहा था ना, मेरे को यह था यार काश मेरे घर वालों को भी बुला देते तो मुझे कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन मिल जाता, क्योंकि मैं हर दिन उस शो में डिप्रेस ही होता चले जा रहा था। सलमान सर मेरे से नाराज थे, बॉस मेरे को हर एक चीज पे टोक रहे थे, कहीं बिग बॉस मेरे को हर एक चीज पे टोक रहे थे। एंड यहाँ पर आता है पहला हाफ इन्फॉर्मेशन का इंसिडेंट जो कभी ऑन एयर हुआ ही नहीं। बिग बॉस ने मेरे से शो के अंदर एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उस दिन नॉमिनेशन टास्क था, मुझे याद था, एंड उस दिन मुझे बिग बॉस ने एक चीज बोली कि हमने आपके घर वालों को शो पर बुलाया था आपको मोटिवेट करने के लिए, कि ब्रोसेना कोई शो पर बुलाया था बट वो आई नहीं। ब्रोसेना जानती है कि एक स्टोरी पर हम लोगों ने शहर जाम करे, पूरे भारत में हम लोगों ने एक स्टोरी पर लाख लाख लोग बुलाए, तो मैं बहुत ज्यादा शॉक था कि यार ब्रोसेना क्यों नहीं मेरे से मिलने आई। उससे ज्यादा शॉकिंग बात मेरे लिए ये थी कि मेरे माँ बाप मेरे से क्यों नहीं मिलने आए। पता है अगर आपके खिलाफ पूरी दुनिया भी हो जाए ना, तो आपके माँ बाप एक ऐसे लोग हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे जब हाफ इन्फॉर्मेशन मिली तो मुझे तो यही लग रहा था कि यार मैंने बहुत गलत काम कर दिया उस शो में, एंड मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था ये चीज सुन करके। जैसे वो नॉमिनेशन का टास्क खत्म हुआ, मैं बाथरूम में जा करके 2-2.5 घंटा रोता रहा, पानी का टैप चला करके, ताकि माइक पे आवाज ना जाए, किसी को पता ना चले कि मैं घर के अंदर रो रहा हूं। लेकिन असली सच्चाई तो ये थी कि बिग बॉस ने मेरे घर वालों को कभी कॉन्टैक्ट करा ही नहीं था मेरे से मिलने के लिए। उन्होंने मेरे घर वालों को ये बोला था कि आप सलमान खान से ये क्वेश्चन करो कि आप अनुराग को क्यों टारगेट कर रहे हो, एंड ब्रोसेना के कुछ मेंबर लेकर के आओ और आप उनसे क्वेश्चन सलमान सर से कराओ कि आप अनुराग को क्यों टारगेट करवा रहे हो। एंड मेरे भाई कलमिंग ने ना बिग बॉस की टीम से पूछा भी था कि क्या आप हमें अनुराग से बात करने का मौका देंगे, क्या आप अनुराग से हमारी बात करवा देंगे, तो बिग बॉस ने ना साफ मना कर दिया था कि हम आपको अनुराग से बात करने नहीं देंगे। एक झूठ मेरे को बोला गया, एक झूठ मेरी फैमिली को बोला गया और एक झूठ नेशनल टेलीविजन पे दिखाया गया कि मेरे घर वाले कभी मेरे से मिलने आए नहीं। पूरे सीजन मुझे ना लोग बस यही चिढ़ाते रह गए उस घर में कि तेरे घर वाले तेरे से मिलने नहीं आए, तेरी ब्रोसेना तेरे से मिलने नहीं आई। मैं हमेशा ना मनी मन ये सोचता रहता था कि यार ये सब झूठ है, मुझे पता है मेरी ब्रोसेना हमेशा मेरे लिए खड़ी रही है बाहर हर एक पॉइंट पर। मेरी जिंदगी का लो पॉइंट था ना, ये पहला लो पॉइंट नहीं था मेरी जिंदगी का, ब्रोसेना ने हमेशा मेरा एक स्टैंड लिया है, हमेशा खड़ी रही है, हमेशा लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना उठाया है। जब भी मैं किसी डिप्रेसिंग या लो पॉइंट पर था ना, ब्रोसेना मेरे लिए, मेरे माँ बाप मेरे लिए खड़े रहे। तो मेरे दिमाग में बस यही चलता यार कि वो ब्रोसेना जो एक स्टोरी पर लाखों की भीड़ लगा देती थी, आज वो नेशनल टेलीविजन पे मेरा सपोर्ट करने नहीं आए। बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था, रोज बाथरूम में जाकर के रोता था ताकि दुनिया को ये ना देखे कि मैं बहुत कमजोर पड़ रहा हूँ। और इस हाफ इंफॉर्मेशन ने ना मुझे एक्चुअली डिप्रेशन में डाल दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था जीवन में, बट आज एक ऐसे पॉइंट पर था कि ना ही मेरे माँ बाप मेरे से मिलने आए। ऐसा लग रहा था कि बस दुनिया में ना अकेला पड़ चुका हूँ। इसके बाद ना मैं हिम्मत हार चुका था सच्ची में, एंड मैंने वॉलंटरी एग्जिट लेने का डिसाइड करा, जहां पर मैं अपनी मेहनत के 2 करोड़ रुपए देकर के उस शो से बाहर निकलना चाहता था, केवल ये सोच करके कि क्या मेरे माँ बाप अच्छे तो होंगे। इसके बाद ना मैं बहुत टूट चुका था यार, एंड मैंने वॉलंटरी एग्जिट लेने का फैसला करा। मैंने अपनी जिंदगी के जो 2 करोड़ रुपए कमाए थे ना, जितनी कमाई कमाई थी सब दांव पे लगाने के लिए, मैंने वो लाइन, मैंने एक चीज बोली कि बिग बॉस मुझे बस घर भेज दो। भाड़ में गए शो, मेरे लिए मेरे माँ बाप इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी रेपुटेशन और मेरी ब्रोसेना इंपॉर्टेंट है, उनकी इज्जत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बाबू भैया बनाया था, इस शो ने नहीं। मैंने यही सच्चाई थी यार कि जिंदगी में अगर मैं कुछ बना था तो वो मैं अपनी मेहनत और अपनी ब्रोसेना के सपोर्ट के कारण बना था, ना कि किसी शो से बना था।
ये, बट मुझे नहीं पता था कि ये कहना मेरे लिए बहुत उल्टा पड़ जाएगा। मैंने उस टाइम जो फील करा, मैंने वो चीज़ बोल दी, वो वीक खत्म हुआ। मुझे वक्त दिया गया उस शो में कि आप सोच लें कि आपको वॉलंटरी एग्जिट लेना है नहीं लेना। मैं उस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा इमोशनल था क्योंकि दिमाग में मम्मी पापा के थॉट चल रहे थे, क्या वो ठीक है, क्या वो ठीक नहीं है, बाहर ब्रोसेना मेरे लिए खड़ी है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वो वक्त मैंने कैसे बताया वो मुझे ही पता है। एंड फिर जब वो वीकेंड का वार आया ना, वो वीकेंड का वार मैं जिंदगी भर नहीं बुला पाऊंगा। उस वीकेंड के बारे में एक एक्टिविटी कराई गई मुझसे, उस एक्टिविटी का नाम था वॉक ऑफ शेम। इस पूरे हफ्ते में ना एक नैरेटिव शो के एंड से फिक्स कर दिया गया था कि मैंने शो की डिसरिस्पेक्ट करी है, मैंने होस्ट की डिसरिस्पेक्ट करी है। एंड मैं बस यही सोचता रह जा रहा था कि क्या जो मैं फील कर रहा हूं वो एक्सप्रेस करना गलत था। मैं वीकेंड के वार पे बहुत भारी दिल से बैठा क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। मैं जब वीकेंड के वार के दिन सुबह उठा ना, तो मैंने एक एक्टिविटी बाहर देखी जिस एक्टिविटी का नाम था वॉक ऑफ शेम। उस वॉक ऑफ शेम मैंने एक घर बनाया गया था जिसके ऊपर एक टैग लाइन थी वॉक ऑफ शेम। एंड मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये वॉक ऑफ शेम मुझे करनी है क्योंकि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि यही वो इंसान है जिसने कभी शो की इज्जत नहीं करी, होस्ट की इज्जत नहीं करी एंड कभी इस प्लेटफॉर्म को वैल्यू नहीं करा। मैं बस अपने इमोशंस बता रहा था। वो दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भारी फील कर रहा था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आज मैंने वो जिल्लत फेस करनी है जो शायद जिंदगी में कभी नहीं झेली थी। वो वीकेंड का वार हुआ। उस वीकेंड के वार में ना करण सर ने ना पूरे घर वालों से, दिमाग के घर वालों से पूछा कि इस पूरे घर में ऐसा वो कौन इंसान है जिसने शो की रिस्पेक्ट नहीं करी, कि वो कौन सा इंसान है जो शो पर डिजर्व स्टे करना डिजर्व नहीं करता। एंड आपसी सहमति से सब लोगों ने ना मेरा नाम लिया। मुझे उस एक्टिविटी के पीछे खड़ा करा गया, हाथ में एक बोर्ड दिया गया मेरे हाथ में जिस पे वॉक ऑफ शेम लिखा गया था। घर के तीन लोग एक इधर और एक इधर खड़े करे गए। करण सर ने मेरे को पीछे खड़ा करा एंड मेरे को बोला कि अब ये वॉक ऑफ शेम करो। मैं जब वहां पीछे खड़ा हुआ ना, तो ऐसा लग रहा था कि बस मर जाऊं बट ये एक्टिविटी ना हो मेरे साथ। मैंने जब उस वॉक ऑफ शेम को चलना शुरू करा ना, तो बाकी घर वाले शेम 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 चिल्ला रहे थे पीछे से। और मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि उस पॉइंट पर मैं क्या फील करा था। ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही जी रहा हूँ जिंदगी में। एक एक स्टेप लेना मेरे लिए ना बहुत भारी था, बहुत भारी। जब जब आप चल रहे हो और आपके पीछे से लोग शेम शेम चिल्ला रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया है शो में मैंने कि मेरे को ये जिल्लत और ये बेइज्जती फेस करनी पड़ रही है। मैं जब एक एक कदम करके चलता जा रहा था ना, तो सब लोग शेम 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 चिल्ला रहे थे और मैं वो बोर्ड को पकड़ के बस अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा था कि क्या ही कर दिया मैंने, ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ। मैं जब उस एक्टिविटी को करके बाहर आया ना, तो करण सर ने मुझसे एक चीज पूछी कि अनुराग कैसा लगा ये वॉक करके। कोई इंसान, कोई प्लेटफॉर्म, कोई शो ये चीजें करवाने के बाद ये कैसे पूछ सकता है किसी से कि आपको कैसा लगा। मुझे याद है मैंने वो आंसर करा था कि करण सर इट वॉज अ शेमफुल वॉक। मैं जब शो में गया था ना, तो मुझे ये था कि मेरे घर वाले कहीं ना कहीं मुझे लेकर के प्राउड होंगे, मेरी ब्रोसेना कहीं ना कहीं मुझे लेकर के प्राउड होगी। बट उस वॉक ऑफ शेम के बाद मेरे सारी मोटिवेशन, मेरे सारे सपने, मेरा सारा सेल्फ रिस्पेक्ट सब चूर हो गया था और मुझे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। वो रात जब मैं सोने गया ना, तो मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था कि भगवान मुझे अगले दिन की सुबह ना दिखाए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी वापस दुनिया को फेस करने की। एंड अंदर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, बट मुझे बाहर आकर के पता लगा है कि बाहर ये सारी चीजें कभी दिखाई नहीं गई। मैं इतनी सारी चीजों से गुजर कर केवल डिप्रेशन में जा रहा था एंड बाहर एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा था कि अनुराग इस शो में कुछ कर ही नहीं रहा है, ना अनुराग दिख रहा है। आप मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे? मैं खुद से हार चुका था यार। मेरे को खुद किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगता था कि यार सबके सामने ना मेरी इज्जत खत्म हो चुकी है। मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था, सबकी कॉन्वर्सेशन। मैं बस एक सोफे में बैठ करके ना लेटा रहता था। उस एंगल को शो वालों ने ना इस तरीके से दिखाया कि मैं सोता रहता हूं, मैं किसी से बात नहीं करता हूं, मैं बहुत शान शान सा रहता हूं, बट उन्होंने कभी वो वॉक ऑफ शेम दिखाया ही नहीं जिसके कारण मैं उस स्टेट पर गया था। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आप लोगों को याद होगा एक ईशा वाला टास्क हुआ था यूट्यूबर से सेलिब्रिटी में, जिस टास्क को मैं जीत गया था। एंड उस टास्क को जीतने के बाद ना बिग बॉस ने मेरे से उठक बैठक लगवाए थे उस शो के अंदर। वो प्रोमो में डाला गया था बट वो एपिसोड में या लाइव में कभी एयर हुआ ही नहीं, बट वो क्लिप कहीं ना कहीं किसी के पास है। एंड उस घर के अंदर मुझसे सॉरी बुलवाया गया ईशा को क्योंकि मैं वो टास्क जीत गया था। मेरे से उठक बैठक लगाए गए एंड हर उठक बैठक पे मेरे को ईशा को यह बोलना था कि ईशा
सॉरी मैं आज के बाद आपको ये सारी चीजें नहीं बोलूंगा, ईशा सॉरी मैं आपको आज के बाद ये चीज नहीं बोलूंगा। मेरे से उठक बैठक करवाई गई, मुझसे वॉक ऑफ शेम करवाया गया, मुझे हर बारी ताना मारा गया बिग बॉस की तरफ से। मुझे पूरे सीजन घर वाले बस यही ताना मारते रह गए कि ना ही तेरे घर वाले शो पर आए, ना ही तेरी ब्रोसेना इस शो पर आई। एक नैरेटिव सेट कर दिया मेरा पहाड़ की मैं इस शो में कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं 1,00,000% दे रहा था अपना। इतना इतना टूटने के बाद भी मैं अपने आप को वापस समेट रहा था, वापस फाइट करने के लिए। इतना जलील करना शायद बिग बॉस के लिए कम नहीं था। आपको याद होगा दिवाली वाले दिन सब लोगों की वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक दिखा दी गई थी, एंड मुझे अपनी मम्मी की, मुझे अपने घर वालों की शक्ल देखने के लिए इतना तरसाया गया एंड तक। मुझे बोला नाच, मैं नाचा। मुझे बोला ये कर, मैं करा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था, बस अपने घर वालों की एक वीडियो देखने के लिए। मैंने हर एक टास्क, मेरे को ये बोला गया था कि अगर तुम ये टास्क जीत जाते हो ना तो तुम्हें तुम्हारे घर वालों की वीडियो दिखा दी जाएगी। मैं जिंदगी में ना कभी नाचा भी नहीं हूंगा, बट फिर भी मैंने अपने हाथ पैर फेंकने शुरू कर दिए थे नेशनल टेलीविजन पर, जो कि मुझे पता था कि मेरी इंसल्ट होने वाली है। बट फिर भी मैंने अपनी माँ बाप की एक वीडियो देखने के लिए ना वो सब कुछ करा जो मैं बस करना चाहता था। वहां पर मैं बस अपने माँ बाप को देखना चाहता था। मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा कि बाहर की दुनिया में लोग मेरा मजाक बनाएंगे। उस पॉइंट पर मैं बस अपने माँ बाप की वो एक झलक देखना चाहता था। मैं नेशनल टेलीविजन पर एक मीम बन के रह गया, बट मैं अपने हाथ पैर केवल इसलिए फेंक रहा था कि मुझे अपने माँ बाप की एक झलक दिख जाए। पूरा वीकेंड का वार खत्म हो गया। उसके बाद भारती और हर्ष की रिक्वेस्ट के बाद मेरे घर वालों की वीडियो दिखाई गई। पहले तो मेरे से ये झूठ बोला गया कि आपके घर वालों ने वीडियो नहीं भेजी। एक इंसान जो इतना सब चीजों से गुजर चुका था उसको ये बोलना कि आपके घर वालों ने वीडियो नहीं भेजी, मुझे से लग रहा था यार क्या ही कर दिया मैंने कि मेरे घर वाले ना मुझसे मिलने आए ना मेरे लिए वीडियो भेजी। फिर उसके बाद दूसरा झूठ ये बोला गया कि वीडियो आई थी और वो करप्ट हो गई। मैं ना उस चेयर पर बैठ करके बस यही सोचता जा रहा था कि क्यों मेरे घर वालों ने ये, क्यों मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप मेरे साथ ये चीज़ कर रहे। एट लास्ट भारती और हर्ष की रिक्वेस्ट के बाद मेरे को वो वीडियो दिखाई गई। मैं नाचा, मैं अपनी बेइज्जती करवाया, बट जब मैंने अपनी माँ की शक्ल उस नेशनल टेलीविजन पे देखी ना, बहुत हिम्मत मिली लड़ने की। उस दिन के बाद मैंने अपने आप को इकट्ठा करना शुरू करा, वापस घर वालों से लड़ना शुरू करा। एंड बिग बॉस को कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि इसको इतना तोड़ने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग इंसान बन के बाहर आ रहा है। मैं टूट गया था, सच्चाई बता रहा हूँ, बट मैंने कभी हार नहीं मानी थी इस शो में। और आपको याद होगा दिवाली बैश वाले टास्क, उन्होंने बाकी सबकी वीडियोस एक एक मिनट, डेढ़ डेढ़ मिनट की वीडियोस दिखाई थी, एंड मेरे को जो वीडियो दिखाई गई थी वो 15-20 सेकंड की वीडियो थी। बट मुझे बाहर आकर के पता लगा कि मेरे घर वालों ने मेरे भाई कलमिंग की वीडियो भेजी, मेरे पापा की वीडियो भेजी थी, मेरे दोस्तों की वीडियो भेजी थी, बट उन्होंने कभी वो वीडियो मेरे को नेशनल टेलीविजन पे दिखाई नहीं। बट मुझे बाहर आकर के पता लगा कि मेरे भाई और मेरी मम्मी की साथ की वीडियो थी, वो उन्होंने कभी मेरे को दिखाई नहीं उस प्लेटफॉर्म, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अगर अपने भाई और मम्मा को देख लूंगा ना तो कहीं ना कहीं मुझे वो मोटिवेशन मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मुझे वो हिम्मत मिल जाएगी इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। खैर मैंने अपनी मम्मा को देख लिया था तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो उम्मीद जागी। मैंने वापस लड़ना शुरू करा, मैंने बोलना शुरू करा, एंड बाहर आकर के मुझे पता लगा कि स्टार्टिंग का जो ये वक्त था, जिन चीजों से मैं गुजरा था एंड उन चीजों के कारण मैं जिस जोन में पहुंचा था एंड मैं क्यों पहुंचा था, वो कभी चीजें दिखाई नहीं गई। बट जब मैंने लड़ना शुरू करा, बाहर की दुनिया को दिखना शुरू हुआ कि मेरा गेम अब स्ट्रांग हो रहा है। मैं रोज बाथरूम में जाकर के 1 घंटा रो करके आता था, बट बाहर दुनिया को दिखाता था कि मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, उन 14-15 लोगों के खिलाफ हूँ। एंड यहाँ पर बिग बॉस का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जब बिग बॉस को ये लगा कि हम अनुराग को तोड़ नहीं पा रहे, ये वापस गिर कर वापस उठ रहा है, तो उन्होंने मेरा एक प्लान्ड एविक्शन सेटअप करा ईशा वाले टास्क में, जहां पर उन्होंने मुझे शो पर मेरी जो गलतियां हुई थी उन गलतियों के बेसिस पे मुझे शो से निकालने की प्लानिंग करी। आपको याद होगा मैंने उस शो पर एक बोल फोड़ दिया था एंड वो उल्लंघनों के खिलाफ डेफिनेटली था, बट उस गलती की सजा ना मैं ऑलरेडी झेल चुका था, मैं पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हो चुका था। बट जिस दिन ये प्लान्ड एविक्शन का फर्स्ट सेटअप किया गया ईशा वाले टास्क में, जहां पर कैप्टन को गलतियों के बेसिस पे किसी एक बंदे को घर से निकालना, बिग बॉस ने वो वाली फुटेजेस क्लिप्स वापस से दिखाई जिन गलतियों की सजा मैं ऑलरेडी पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड होकर के भुगत चुका था, बट जानबूझ करके ये सारी चीजें दिखाई गई। ईशा को बार-बार आर्काइव रूम में फोर्स करा गया अपना डिसीजन चेंज करने के लिए। अगर ये अपने ओपिनियन का शो था तो जब कैप्टन ने एक बारी अपना डिसीजन सुना दिया गया था तो बिग बॉस ने क्यों बार-बार ईशा को इतना फोर्स करा कि वो अपना डिसीजन चेंज करे। बट वो एक कहावत है ना कि जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, वो लोग मुझे नहीं मार पाए अंदर, एंड उस दिन मेरा इविक्शन बच गया। बट लेकिन उस दिन मुझे पता लग चुका था कि बिग बॉस मेरे को इस शो से बाहर निकालना चाहते हैं। पूरी दुनिया को एक मैसेज जा चुका था कि कहीं ना कहीं अनुराग को शो से बाहर निकालना चाहते हैं,
क्योंकि उन्हें पता था कि क्योंकि उन्हें पता था कि बाहर इसकी जनता इतना प्यार करती है। बिग बॉस शायद लोगों के ओपिनियन का शो था, लोग जिसे प्यार करते हैं वो एक वैसा शो था। एक कंटेस्टेंट को बाहर निकालने की पूरी पावर जनता के हाथ में थी। एंड अभी तक मुझे भी ये लगता था कि ये रियलिटी शो है जहाँ पर जनता डिसाइड करती है कि कौन उस घर में रहेगा और कौन उस घर में नहीं। बट इस बारी का सीज़न बायस था ये तो मुझे पता था, बट अनफेयर होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बिग बॉस का वो पहला प्लान्ड एविक्शन फेल हो गया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उस दिन पता लग गया था कि मेरा वक्त इस शो में ज़्यादा नहीं होने वाला है। मैंने शायद उस शो की सच्चाई दुनिया के सामने रखनी शुरू कर दी थी। एंड कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि अगर ये और टिक गया तो कहीं ना कहीं जनता का प्यार इसे जिता ही देगा। इसके बाद 4 हफ्ते बाद एक और प्लान्ड एविक्शन टास्क हुआ। एंड उस प्लान्ड एविक्शन टास्क में के बाद बिग बॉस ने वापस से पावर घर के 3 कैप्टन्स को दी। एंड आपसी सहमति से मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया गया। जब मेरा इविक्शन हो रहा था ना तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था यार कि मैं शो के इतने एंड तक आकर के वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया। बट जब मैं उस घर से बाहर निकला तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि बाबू भैया आप वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए लेकिन आप बाहर आकर के पूरे इंडिया का दिल जीत चुके हो। मैं जब बाहर आ रहा था ना तो मेरे दिमाग में ना सबसे पहला थॉट यही चल रहा था कि क्योंकि मुझे बाहर कुछ भी नहीं पता था क्या चल रहा है। तो मैंने एक पॉइंट पर तो मेरे को जब होटल में आकर के रखा गया ना तो उस होटल में आकर के मेरे को 2 दिन तक मेरे घर वालों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करने दिया गया। शो खत्म हो चुका था बट उसके बाद भी मुझे ये चीज़ हो रही थी कि यार ये कितना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे से। मैं ऑलरेडी 3 महीने कैसी जगह बिता करके आया था जहां मेरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, जहां मेरा माँ बाप से कोई कांटेक्ट नहीं था, बट इन्होंने 2 दिन तक मेरे को मेरी फैमिली से दूर रखा। ना ही इन्होंने मेरे को मेरी फैमिली से कोई कनेक्ट करने दिया, ना ही मुझे मेरा फोन दिया। मैं जब उस 2 दिन उस होटल में था ना तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थॉट भी आया कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि मैं अब तक ये सजा भुगत रहा हूँ। भगवान जी ने शायद थोड़ी सद्बुद्धि दी है, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं उठाया उस होटल के अंदर। जब आप पूरी दुनिया से कट ऑफ रहते हैं ना इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद, है ना, बाहर भी आ जाते हो, उसके बाद भी इन्होंने मेरे को मेरी फैमिली से मिलने नहीं दिया, जो कभी ये वो सच्चाई थी जो कभी बिग बॉस ने दुनिया के सामने रखी नहीं थी। इसके बाद मुझे मौका मिला इंटरव्यूज देने का। उन इंटरव्यूज में मैंने अपनी पूरी सच्चाई रखी। एंड उन इंटरव्यूज के बाद दुनिया ने उन इंटरव्यूज के बाद इंटरनेट पर जो सपोर्ट आया, पूरी जनता ने जो सपोर्ट जो इज्जत दिखाया, ट्विटर पर अनुराग डोभाल अर्नड रिस्पेक्ट, ट्विटर पर अनुराग डोभाल वन आर हार्ट्स, अनुराग डोभाल ने भारत की जनता का दिल जीत लिया। 8 ट्रेंड हुए हैं जिस दिन मेरा इविक्शन हुआ है। मैं बता भी नहीं सकता था कि इतना सब कुछ झेलने के बाद इतना प्यार देखना जनता का वॉज टोटली अ डिफरेंट फीलिंग फॉर मी। मैं कहीं ना कहीं वो ट्रॉफी हार चुका था बट आज मैंने जनता के सामने वो इज्जत वो प्यार कमा लिया था जो शायद वो ट्रॉफी मुझे कभी कमा करके नहीं दे सकती थी। मैं भले ही वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया बट मैं अपनी इज्जत, अपने ब्रोसेना की इज्जत, आप लोगों की इज्जत के लिए मैंने हमेशा एक स्टैंड लिया। डर लगता था घर के अंदर कि ये क्या कर रहा हूँ, बट आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि जो भी मैंने करा है ना वो मैंने एकदम रियल होकर के करा है। क्योंकि मैं अपने पापा से एक चीज चोकर के अंदर सीख करके गया था कि बाप से सीखा कि हक्की का खाना है, नकली को प्यार, असली को हेट, ये कड़वा सा सच ही है, असली जमाना है। बहुत कुछ झेल करके उस शो से बाहर आया बट आज की डेट पे मैं ब्रोसेना पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस मुश्किल टाइम पीरियड में मेरे को सपोर्ट करा, मेरे साथ खड़े रहे। आज जब बाहर निकलता हूँ ना तो लोग मेरे को ये बोलते हैं बाबू भैया क्या खेला आपने, बाबू भैया आपने हमारी इज्जत रख ली। बस यही वो शब्द है जिन्हें सुनने के लिए मैं तरस गया था। आज मैंने वो इज्जत और प्यार कमा लिया है। बस ये सच्चाई आप लोगों के सामने रखनी थी और बस यही बोलना चाहूंगा कि शुक्रिया सब लोगों का जिन्होंने सपोर्ट करा और मुझे कभी टूटने नहीं दिया। ब्रो सेना ऑन टॉप, दिस इज बाबू भैया साइनिंग आउट। Yeah, yeah.